हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश के पांच सबसे बड़े जिले कौन से हैं। मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा जनपद हैं। वर्तमान में यहां 52 जिले हैं जबकि और नए जिले प्रस्तावित हैं। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। पाँचवें स्थान पर है मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में स्थित रीवा जिला। इस जिले का नामकरण रीवा नदी के नाम पर हुआ है जो नर्मदा नदी का पौराणिक नाम है। सफ़ेद बाघों की भूमि से विश्व विख्यात ये जिला 6240 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। जनसंख्या की दृष्टि से रीवा मध्य प्रदेश का पांचवा सबसे बड़ा जिला है। यहाँ 23,65,000 की विशाल आबादी निवास करती है। चौथे स्थान पर नाम आता है मध्य प्रदेश का दिल कहे जाने वाले शहर भोपाल का। भोपाल मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत और आकर्षक शहरों में एक है। मध्य प्रदेश के इस शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल भारत के बड़े औद्योगिक शहरों में गिना जाता है जिसकी जनसंख्या करीब 23,70,000 है जो इसे बनाती है प्रदेश का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला जिला। नंबर तीन पर काबिज है बुंदेलखंड क्षेत्र का सागर जिला। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और विकासशील जनपदों में शुमार सागर जिला 10,252 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला है। ये जिला जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में पूरे प्रदेश में टॉप पोजीशन रखता है। क्षेत्रफल में सागर जिला दूसरे स्थान पर है जबकि 23,78,000 की विशाल आबादी इसको सूबे का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला जिला बनाती है। मध्य प्रदेश के पांच सबसे घनी आबादी वाले जिलों में दूसरा स्थान पर है जिला जबलपुर। मध्य प्रदेश की न्यायिक नगरी जबलपुर में विशाल आर्मी कैंट, वेस्ट मिडल रेलवे का मुख्यालय और राज्य विज्ञान संस्थान हैं, जो प्रदेश में जबलपुर की प्रमुखता को परिभाषित करते हैं। 18वीं सदी में मराठों के मुख्यालय के रूप में इस जनपद को चुना गया। जबलपुर 24,63,000 की विशाल आबादी का स्वामी है। एक नंबर पर है इंदौर जिला, जिसकी खूबसूरती के दीवाने हैं देश और विदेश के प्रतिष्ठित और जाने माने लोग। देश के कई दूसरे राज्यों के बड़े शहरों द्वारा इंदौर को टक्कर देने के दावे किए गए, इसके बावजूद इंदौर ने ये रिकॉर्ड अपने नाम रखा। मध्य प्रदेश के इस जिले की जनसंख्या करीब 32,76,000 है। इंदौर मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 30 लाख से ज़्यादा की आबादी का स्वामी है।